Another approach to measure the employee performance is behavioral approach, or based on the employee behaviors. It is basically based on that how an employee behaved in a particular situation, in a particular event. Ek khas situation thi, ek khas job position ke upar usne behave kaise kiya ya uska reaction kaisa tha. For example, hum isme ye jaise ki CSR jobs jo hain jisme customer relationship representatives ho sakte hain, the customer service representatives hote hain. They have to deal with the customer. Or kahin kai baar aisi situation aa jati hai ki customer bada aggressive hota hai, complaints hoti hain aur bada troubling kisam ka hota hai. Us particular situation mein us employee ne kaise handle kiya, regardless of the traits jo bhi uske hain, us particular situation mein usne kis tarah se customer ko handle kiya tha ya apni job ko kis tarah perform kiya tha. Isi tarah agar hum zara si upper level jobs ki baat kare, जहां पर थोड़ी डिसीजन मेकिंग होती है, थोड़ी रिस्क टेकिंग होती है, उस सिचुएशन में मार्केट में कोई टर्बुलेंस आ गई, मार्केट में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड से चेंज आ गया, तो इस चेंज को देखकर एक जो आपके अपर हायरार्की का ऑफिशियल था, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसने कैसी स्ट्रैटेजीज डेवलप की, उसका रिएक्शन थोड़ा डिफेंसिव था या ऑफेंसिव था. ये वो बिहेवियर्स हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आइदर वो पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही. अब इसमें जो मेन चीज है, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स. इसमें ये तो कंसिडर नहीं किया जाता कि वेदर जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था, जैसे कि मार्केट टर्बुलेंस में ऑर्गेनाइजेशनल गोल था टू कैप्चर द मार्केट, वो हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन उसमें यह जरूर नोट किया जाएगा कि उस एम्प्लॉई ने या उस टॉप मैनेजमेंट लेवल का जो एम्प्लॉय था, उसने किस तरह से बिहेव किया था या उसको कैसे उसका रिएक्शन था उस पूरे एनवायरमेंट को देखिए, उस चेंज को देखकर. अब बेसिकली ये तो चूंकि बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय को देख रहा है कि उसने पर्टिकुलरली कैसे, हम इसको एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच भी कह सकते हैं. क्यों? बिहेवियर्स जो होते हैं वो विद द लाइफ टाइम स्पैन चेंज हो रहे होते हैं, और बल्कि डिवेलप हो रहे होते हैं. इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय का बिहेवियर मॉडिफाई होता है एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसकी क्या वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसके क्या नॉर्म्स हैं, उस हिसाब से. फिर एम्प्लॉय की अपनी एक लर्निंग होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस के साथ वो सीख रहा होता है, तो समहाउ उसका बिहेवियर मॉडिफाई, या हम जिसे उर्दू में कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक निखार आ रहा होता है एज पर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो ये अप्रोच इस पे बेस करती है कि एम्प्लॉई ने कितने अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जो उसको दी गई थी, उस जॉब को हैंडल किया जो उसे दी गई थी, और वो एक लर्न्ड प्रोसेस के थ्रू एक आउटकम आया, वो जो था एम्प्लॉई बिहेवियर. इवन इस अप्रोच को भी क्रिटिसिज्म मिला है कि इसमें ये पॉइंट लिया जाता है कि इट इज रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स. The main thing is the results. Organization अगर form हुई है तो उसका कोई main objective है, कोई मकसद है. लेकिन अगर employee का behavior, चाहे वो बहुत अच्छा या appropriate क्यों ना हो, अगर वो result ही नहीं दे रहा, अगर organization का वो particular goal ही attain नहीं हो रहा, then what is the purpose to appraise such a behavior? लेकिन कहीं ना कहीं इसका link जरूर बनता है कि अगर employee का behavior as per the given condition अप्रोप्रिएट है, ठीक है, या आप उसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टूवर्ड्स द रिजल्ट्स इफ द बिहेवियर इज इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन ये जस्टिफिकेशन उस वक्त प्रूव होती है जब बिहेवियर और रिजल्ट में एक स्ट्रांग लिंक मौजूद हो. लेकिन अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर आप समझ ले अनडायरेक्शनल है और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, नॉट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन इट इज यूजलेस solely to appraise the employee performance on the behavior if it is not aligned with the organization's overall goals or the results.